वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से वो दिन शुरू हो रहे हैं, वो हफ्ता शुरू हो रहा है, वो सप्ताह शुरू हो रहा है, जिस एक हफ्ते के अंदर दशमेश पातशाह जी ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सरबंस न्यौछावर कर दिया था, इसलिए उनको सरबंसदानी भी कहा जाता है। उन्होंने न्याय की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए। आज वो पहला दिन है जब अनंतपुर साहब जी से उन्होंने वहाँ की जो प्रजा थी उनकी और अपने सिखों के साथ में वो किला छोड़ा था। तो मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि ये पूरे हफ्ते के अंदर डे बाई डे क्या हुआ वो मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक वो मैं सही जानकारी पहुँचा सकूँ। आज का दिन है जब महाराज ने अनंतपुर साहिब किला छोड़ा था, जब मुगलों ने और पहाड़ी राजाओं ने, हिंदू पहाड़ी राजाओं ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का किला घेर लिया। उससे पहले मैं आपको कुछ ब्रीफ करना चाहता हूँ कि पहाड़ी राजाओं को गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, दशमेश पातशाह जी ने जंगों में कई बार हराया, लेकिन कभी भी उनकी जमीन पर कब्जा नहीं किया, कभी भी उनके किसी उनकी प्रजा के इंसान को गुलाम नहीं बनाया, ना उनको गुलाम बनाया, ना उनका कोई माल लूटा, ना कोई धन लूटा, और ना ही किसी और तरीके की हानि उनको पहुंचाई। इतना सब कुछ करने के बाद भी, उनको बख्शने के बाद भी, उन कपटियों ने, उन बेशरम पहाड़ी राजाओं ने, उन बेगैरत पहाड़ी राजाओं ने मुगलों के साथ मिलकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के ऊपर हमला करने का प्लान बनाया। और अच्छा, एक बार बात है ना, कई लोग नहीं जानते, बताना चाहता हूँ कि पहाड़ी राजा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के खिलाफ किस कारण हुए थे। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, दशमेश पातशाह, उनको इसलिए कहा जाता है कि वो सबकी रक्षा करते थे, सबको न्याय दिलाते थे। तो जब भी उनकी प्रजा के अंदर कोई भी आता था, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो, तो हमेशा से सबको वो बराबरी का दर्जा देते थे। तो पहाड़ी राजाओं को ये बात हजम नहीं हुई कि एक शूद्र या एक नीची जात का होके वो हमारे साथ एक पंगत में लंगर कैसे खा सकता है, या वो हमारे साथ में उठ कैसे सकता है, बैठ कैसे सकता है। तो एक ये भी वजह थी कि वो महाराज के खिलाफ हुए, जबकि उनको कई बार हराने के बावजूद भी उनकी एक भी जायदाद पर, किसी प्रॉपर्टी पर कभी महाराज ने कब्जा नहीं किया, उनको छोड़ दिया गया, उनकी जान को सलामत, मतलब उनकी जान भी छोड़ दी गई, उनका जो जो उनका एरिया था जिसके वो राजा थे, वो भी उस पर कभी कब्जा नहीं किया दशमेश पातशाह जी ने। फिर भी उन धुरतों ने, उन बेशर्मों ने मुगलों के साथ मिलके किला घेरा महाराज का। उस टाइम पे अगर महाराज चाहते तो एक तीर से उन सबको भस्म कर सकते थे, क्योंकि इसलिए उनको जगत गुरु कहा जाता है। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि अगर वहाँ पर जंग होती तो उनकी जो प्रजा के जो आम लोग थे वो भी मारे जाते, इसलिए महाराज ने फैसला किया किला छोड़ने का। इससे पहले जब किला घिरा हुआ था मुगलों ने और पहाड़ी राजाओं ने, तो वो लोग गए महाराज के किले के अंदर और उनके सामने जाके विनती करी कि अगर आप बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के, या आप बिना किसी झगड़े लड़ाई के ये किला शांति से खाली कर देते हैं, तो आपको यहाँ और आपके लोगों को यहाँ से जाने दिया जाएगा, किसी पे आँच तक भी नहीं आएगी, और आपकी जो हवा तक भी कोई नहीं देखेगा कि आप किस तरफ गए हैं। मुगलों ने कसम खाई कुरान की, और जो हिंदू पहाड़ी राजा थे उन्होंने कसम खाई गाय की। तो महाराज ने अपनी आम लोगों की प्रजा को देखते हुए कि उनको भी, उनके परिवार को नुकसान ना हो, उन्होंने शांतिपूर्वक किला खाली करने का फैसला किया। और आज वो पहला दिन है, और जब किला खाली कर दिया गया तो मुगलों ने कुरान की कसम तोड़ी और हिंदू पहाड़ी राजाओं ने गाय की जो कसम खाई थी उसको तोड़ के फिर भी उनके ऊपर हमला किया महाराज के ऊपर। तो भाइयों, वो आज वो पहला दिन था,
कि कैसे कैसे उन धूर्तों ने, उन बेशर्मों ने, उन बेगैरतों ने और एहसान फरामोश लोगों ने सब कुछ महाराज के बख्शने के बाद भी, उनसे हारने के बाद भी, जबकि महाराज ने उनके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं छोड़ी कि मैंने तुमको हराया है तो तुम अब ज़िंदगी भर मेरी गुलामी करो या मुझे इतना धन दो या मेरी चाकरी करो, वाकई उनको छोड़ दिया ऐसे के ऐसे। फिर भी उन पहाड़ी राजाओं ने, उन एहसान फरामोशों ने, उन बेगैरतों ने, उन बेशर्मों ने महाराज के ऊपर हमला करने का मुगलों के साथ में षड्यंत्र रचा। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग, वो जो लोग थे जो हिंदू पहाड़ी राजा थे और जो मुग़ल थे जिन्होंने कुरान की कसम तोड़ी और जिन्होंने गांधी की कसम तोड़ी, उन पे लाख लानते भी कम हैं, और लाख लानतों को लाख बार भी अगर उनके ऊपर डाला जाए तो वो भी कम है मेरे हिसाब से। तो ऐसे धूर्तों के कारण और झूठी कसमों के कारण काफ़ी नुकसान हुआ खालसा पंथ का। तो भाइयों, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको आगे की बात बताने की, और कोशिश करूँगा कि 7 दिन तक जैसे जैसे ये घटता रहा, जैसे जैसे ये खूनी इतिहास लिखा जाता रहा, वैसे वैसे मैं आपके सामने आपको मैं वीडियो के ज़रिए बताता रहूँ। और मैं जो भी मेरे भाई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों को इस बात का रोष है कि छोटे साहबजादों की शहीदी के दिन बाल दिवस मनाना चाहिए, और एक मुहिम, छोटी सी मुहिम चली भी हुई है। चलिए देखते हैं आजकल की सरकारें क्या फैसला लेती हैं इसके ऊपर। तो आप अपने ओपिनियन बताना कमेंट बॉक्स में। सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा हाफिज़।